गुरुजी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। शुक्रवार यानी यक्षिणी साधना का दिन। आज उद्धमारेश्वर तंत्र में नटी साधना का जो वर्णन है वो नटी साधना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। नटी का मतलब होता है अभिनेत्री, एक्ट्रेस। तो नटी साधना को करने से आपके पास वो चीज़ें आती हैं जो एक अभिनेत्री के पास होती हैं। तो क्या होता है अभिनेत्री के पास? धन होता है अभिनेत्री के पास, आकर्षण होता है अभिनेत्री के पास, लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नटी साधना को करके मिलेगा। जितनी भी साधनाएं यक्षिणी की होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी यक्षिणी की साधना होती है तो वो नटी साधना है। नटी साधना गृहस्थ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नटी यक्षिणी को रखने से जो लाभ होगा वो तो ठीक है, लेकिन बहुत हानि नहीं है अगर आप इसको समय समय पर भोग देते रहें। भोग तय होता है जब ये प्रत्यक्षीकरण देती हैं। नटी साधना के लिए जंगल या किसी वीरान स्थान पर एक अशोक का पेड़ ढूंढें। देखो, जो डिज़ाइनर अशोक का पेड़ आजकल लोग बागान में लगाते हैं वो अशोक का पेड़ नहीं होता है। जो ओरिजिनल अशोक का पेड़ है वो ढूंढे। वो ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि जब रात में आप साधना करें तो वहाँ आसपास कोई नहीं आए, ठीक है। वहाँ पर उसके किसी एक दिशा में बैठ करके, ठीक है, क्योंकि दिशा बंधन नहीं है इसमें, एक अच्छे से बैठने वाले स्थान पर, वहाँ पर एक आप मिट्टी से पहले लेवल करके एक बैठक बना लें और उसको गाय के गोबर से अच्छा से लेपन कर दें, ठीक है। जब साधना करने बैठेंगे तो निर्वस्त्र बैठेंगे और जो आप बैठे हैं और जो वृक्ष है उसके चारों तरफ चंदन के तेल का एक घेरा बनाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सामने बैठेंगे। अगर यक्षिणी साधना आपने पहले कर रखी है तो यक्षिणी की एक मूर्ति आप रख सकते हैं, नहीं है तब भी चलेगा। चमेली के तिल का दीपक जलाएं। नटी को चंदन पीस के दें। नटी को बहुत पसंद क्या है? नटी को बहुत पसंद है जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुगंधित हों, ठीक है। तो चबूतरे पे आप बैठ गए, उससे पहले एक आपने सैंडलवुड के तेल का चारों तरफ एक घेरा दिया, ठीक है, और उसके बाद यक्षिणी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो एक कुछ भी एक पत्थर को यक्षिणी मान के छोटा सा उस पर पूरा लेपन करे चंदन का, ठीक है। उसके बाद उस अगर मूर्ति या आपने एक पत्थर रखा है, दोनों में से जिसको भी आप यक्षिणी मान के पूज रहे हैं, उसको धूप, दीप, फूल और प्रसाद चढ़ाएं, ठीक है। ये आप कब करेंगे? ये करेंगे आप 1 महीने तक, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे मंत्र दिए हैं नटी यक्षिणी के, लेकिन सारे मंत्र बीज विहीन है। तो यक्षिणी का मंत्र क्या है? नटी यक्षिणी का मंत्र है ओम द्रिम नटी महानटी रूपावती द्रिम स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए, ओम द्रिम नटी महानटी रूपावती द्रिम स्वाहा। तो मंत्र से भी ये क्लियर है कि अगर आप इस साधना को करते हैं तो समय के साथ आप रूपवान हो जाएंगे। ठीक है, रूपवान होना एक इस साधना का है कि ऐसा आकर्षण। देखो रूप क्या होता है, रूप वो होता है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर। तो आप कैसे दिख रहे हैं ये आप तय करें, इससे ज़्यादा लोग तय करते हैं। ओह आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो एक तो वो जो एक आपका आभा मंडल है बन जाता है जिसमें लोगों को आप बहुत अच्छे दिखते हैं। दूसरा, लोग आपसे संपर्क में रहना चाहते हैं। इस साधना को करने के बाद सक्सेस मिलता है और धन मिलता है। जैसे कामेश्वरी की जब आप साधना करते हैं ना, तो वो आपको हीरे जवाहरात देगी, ठीक है, कुछ गुप्त विद्याएं देती हैं। लेकिन नटी का क्या है कि नटी बिल्कुल ही आपको आकर्षण विद्या और धन से निपुण कर देती है। ठीक है, नटी यक्षिणी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि नटी यक्षिणी को ऐसे तो किसी भी आप जब यक्षिणी की साधना करते हैं ना, तो आपको एल्केमी की वो विद्या ज़रूर देती है। मतलब किसी भी पदार्थ को किसी और पदार्थ में बदलने की, मतलब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो इस साधना को आप लोग करें। रात्रि में करना है, 1 महीना करना है। 1 महीना करने के बाद ऐसा शास्त्रों का कहना है कि ये प्रत्यक्ष होती है, लेकिन जिससे मैंने सुना है उससे यही सुना है कि जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे आप पे आरूढ़ होने लगती हैं 1 महीने में, और 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगता है। तो करो नटी साधना। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, मतलब आसन मंत्र, बंधन मंत्र, दिशा बंधन और जो भी गुरु मंत्र मिलने से पहले जो विधान है, जिनको सीखना है वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrarahasya.com या www.aghortantrarahasya.xyz पर इसका विधान है। कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और गूगल पे प्ले से। इसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। उसमें मेरा लोगो है और जो वीडियोज़ आते हैं वो है। आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवती आप लोगों को सुखी रखे ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।